पिक्चर दिस आमिर खान का गोस्ट कैरेक्टर पूरे फिल्म में सिर्फ 3 मिनट का है। अरे भाई आगे बढ़ो ना यार। यार मैं इसका पहली फिल्म से फैन हूँ, तंग आ चुका है, बेजार हो चुका है जो सच्ची कहानी पर आधारित है। द फिल्म लिटरली बिगन टू टॉक, मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग इंटेंसिटी, सिर्फ 3 मिनट। यहाँ पे मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ जी खवातीनो हजरात, हे एवरीवन, द डार्क नाइट इज हियर। सुजाता इज अ सिंगल मदर और उसका बेटा वैंकी बचपन से ही इज डायग्नोस्ड विद ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब वो अपनी इस कंडीशन से तंग आ चुका है, बेजार हो चुका है और उसे लगने लगा है कि वो अपनी माँ पर बोझ है। वो बचपन से उसको पाल रही है, संभाल रही है उस बीमारी में। तो उसने फाइनली डिसाइड किया है, ही डिसाइड्स टू यूथनाइज टू फैसिलिटेट ऑर्गन डोनेशन। Salaam Venki is based on a true story of Kolavenu Venkatesh, who suffered from DMD and passed away in 2004 at the age of 25. He was a film buff and also a chess player. इस फिल्म की कहानी को कैमरे पर बिल्कुल सही और एक्यूरेट दिखाने के लिए द फिल्म हैज बेस्ड इट्स सोर्स फ्रॉम अ बुक बाय श्रीकांत मूर्ति कॉल्ड द लास्ट हुर्रा। पिक्चर दिस, रेवती की हिदायतकारी और एक बहुत ही इंप्रेसिव और टैलेंटेड कास्टिंग विच इज लेड बाय काजोल एंड विशाल जेठवा। मैं आपको वो इंप्रेसिव और टैलेंटेड कास्टिंग भी बता दूं, आहाना कुमरा, आनंद महादेवन, प्रकाश राज, प्रियामणि, राहुल बोस और राजीव खंडेलवाल, मिथुन की मौसिकी और एक फिल्म जो सच्ची कहानी पर आधारित है और किताब पे भी, क्या गलती हो सकती इस फिल्म में? व्हाट कैन गो रॉन्ग? एग्जीक्यूशन। अगर आपने एक अच्छी फिल्म जिसकी कहानी में पोटेंशियल है, अगर आपने ऐसी फिल्म को जाया करना है ना, तो ये फन, ये हुनर आप हिदायतकार रेवती से सीख सकते हैं। द बिगेस्ट ड्रॉबैक, बोरिंग मेलोड्रामेटिक फर्स्ट हाफ जो तकरीबन 1 घंटे का था, दैट लीड्स टू नोवेयर। इस 1 घंटे में हो क्या रहा था मेलोड्रामा के साथ? वेंकी के जो करीबी रिश्तेदार हैं या जो उसके क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं, वो उनके साथ कैसा था, उसके बचपन का प्यार, वो उसके साथ बैठकर मनाजिर देखता था साहिल समंदर पे, उसकी जो माँ है जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, जो बहुत रोती है उसकी कंडीशन की वजह से, वो उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पा रही, तो ये सब हो रहा था 1 घंटे में। इट वॉज लीडिंग टू नो वेयर। आपने पब्लिक को बोर कर दिया है कि अरे भाई आगे बढ़ो ना यार, कब कहानी आगे बढ़ेगी? ओके, पता है ही इज ऑन हिज डेथ बेड, अब आगे क्या करें? द फिल्म लिटरली बिगन टू टॉक इन द सेकेंड हाफ। नए किरदारों का फौरन तारुफ हुआ। The screenplay eventually approached movement and got pacey. ऐसा लग रहा था जैसे रेवती को पहले हाफ का पछतावा है और फौरन, deliberately और immediately she is making changes in the second half, just like some football coach. News media portrayal निहायत ही artificial लग रहा था. There was no hard way of journalism to squeeze the debate of euthanizing. मैंने तो सुना था इंडिया में 20 साल पहले जब ये मामला उठा था यूथनाइजिंग का, सो देर वॉज एन आउटरीच, लेकिन मुझे वो स्पार्क इस फिल्म में देखने को ही नहीं मिला। बहुत ही बोरिंग कोर्टरूम ड्रामा। इस किस्म के टॉपिक पे, मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग इंटेंसिटी, और इंडिया में कोर्टरूम ड्रामे बहुत अच्छे बनते हैं, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन यहाँ इट वॉज वेरी ऑफ। जो राइवल्स थे वहां तो कोई मुकाबला ही नहीं था। इट वॉज सो वन साइडेड। वो स्पार्क देखने को नहीं मिली इस फिल्म में, कोई आउटरीच देखने को नहीं मिला। इस फिल्म में एक लम्हा आता है जिसमें वेंकी के पिता करुणेश से मिलने आते हैं, लेकिन उसके परिवार में कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और ये इंटेंस जो सीन है पूरे फिल्म में सिर्फ 3 मिनट का है, सिर्फ 3 मिनट। सोचें, मेलोड्रामा 50 मिनट का या 1 घंटे का है, और ये जो इंटेंस सीन है, इसको और लीगल प्रोसीडिंग्स को आराम से फर्स्ट हाफ में कवर कर सकते थे अगर रेवती साहिबा अपने फर्स्ट हाफ को मेलोड्रामेटिक ना बना दी। देयर इज अ लिमिट। यहाँ पे मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। वेंकी के पिता का रोल प्ले किया है कमल सडाना ने।
आप लोगों को, मेरी जनरेशन को शायद ये बात याद होगी, बैक इन द 90s हमने कमल सडाना को कुछ फिल्मों में देखा है। इसकी सबसे पॉपुलर फिल्म थी रंग विद दिव्या भारती 30 साल पहले। ये फिल्म 2022 की है, एग्जैक्टली 30 साल पहले बैक इन 1992 कमल सडाना और काजोल ने एक साथ अपने कैरियर का आगाज किया था। जी ख्वातीनो हजरात, कमल सडाना काजोल का पहला हीरो था और 30 साल के बाद दे वर प्लेइंग द रोल ऑफ हस्बैंड वाइफ। काजोल हैड नथिंग पर्टिकुलर टू ऑफर, क्योंकि मैंने इसको इस तरह की परफॉर्मेंस करते हुए पहले भी देखा है। इट इज विशाल जेटुआ। यार मैं इसका पहली फिल्म से फैन हूँ। इसने 3-4 साल पहले मर्दानी 2 में काम किया था, आई थिंक दैट वॉज हिज डेब्यू, एंड समवन हु पुल्ड एन आशुतोष राणा, वो चीज़ किसी ने करके दिखाई है, दैट वॉज विशाल जेटुआ। यार इस बंदे का बॉडी लैंग्वेज और फेशियल ट्रांसलेशन इज जस्ट टू गुड, ही इज जस्ट टू गुड। ये जो उसकी डायग्नोसिस है, इसमें भी आप देखना, जब इसकी तबीयत खराब होना शुरू होती है एंड व्हेन ही इज मूविंग टुवर्ड्स द फाइनल स्टेज, जब इसके बातचीत करने का जो नेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है, लुक एट हिज फेस, लुक एट हिज परफॉर्मेंस, ही रियली इज ट्रांसलेटिंग। ये बंदा तर्जुमा करना जानता है, ही इज रियली गुड। इस फिल्म की चंद पॉजिटिविटी में से एक पॉजिटिविटी थी आमिर खान का गोस्ट कैरेक्टर। ये बंदा कौन था ये पहली मुलाकात में पता चल गया था, और सेकंड हाफ में करुणेश की जो नाराजगी दिखाई है फ्लैशबैक में, तो उससे फिर बातें काफ़ी साफ हो गई और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने उसको ओपन नहीं रखा बयान करने के लिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, ये हमारे समझने के लिए काफ़ी है। सो आई थिंक, मैं समझता हूँ द थ्योरी इज कि वेंकी के पिता करुणेश नहीं थे, आमिर खान थे। आमिर खान और सुजाता में कोई अफेयर होगा, उस वक्त सुजाता शादीशुदा थी या नहीं थी आई डोंट नो, लेकिन उस अफेयर से वेंकटेश हुआ और ये बात करुणेश को पता चली और उसके बाद से वो नाराज हो गया। बीमारी शायद एक बहाना थी मे बी, और जैसे ही वेंकी की खबरें टीवी पर आने लगी, जब वो पॉपुलर होने लगा, तो उसके पिता करुणेश उससे मिलने का और उसकी फिक्र का ड्रामा रचाने हॉस्पिटल आ गए। सलाम वेंकी फेल्स टू एग्जीक्यूट अ पोटेंशियल स्टोरी दैट लैक्स राइटिंग एंड लीन्स ऑन मोर मेलोड्रामा। आई एम समी नाइक।